गुड इवनिंग खनल अमरजीत जहन, गुड इवनिंग सत श्री अकाल उमा शंकर साहू, सतबीर जी, दीपक गौर, जुगल विक्रम जी, टीना, कुलजीत मारवा जी, आकाश, हेमलता, अवंदीप, डॉक्टर राकेश, सिद्धार्थ, बीना पाठक, नंदिता, मोहम्मद वसीम अकरम, शांति पासवान एंड रंजीत, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर दिस मास्टर सेशन टुडे विद मी. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. हाउ आर यू डूइंग? गुड, एक्सीलेंट. गुड इवनिंग. Good evening to all of you. Okay, so good evening, sir. Good evening, everybody. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को. कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है अपना वीडियो बना करके? I want somebody to come up and just start telling me, are you feeling any confidence? Just share your quick word. Yeah, Deepak. Yeah. So मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है. इवन मैंने 2 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था बहुत डर डर के, स्लोली. और अब ये मैंने 1-1.5 साल बाद वीडियो बनाई है. और जी, आपका जो जो आपने कमेंट किया था ना, उससे मेरे को बहुत पावर आई, बहुत बूस्ट मिला. और मुझे लगा कि हाँ, नाउ आई कैन डू, और मेरे को अगेन यूट्यूब रीस्टार्ट करना चाहिए. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. आपका थोड़ा एक एक्सेंट है हिंदी का, ठीक है. yes. और वो कोई दिक्कत नहीं है. और आप बस ये एक चीज मान में बिठा लीजिए कि इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो स्पीकिंग को फ्लो में लेके आना है, ठीक है. फ्लो में थोड़ा सा और कसर रह गया है. यू आर अ प्रॉपर प्रोफेशनल यूट्यूब मटेरियल. यू आपको मैंने देख लिया है, तो इसलिए मैंने और किसी को नहीं बोला ग्रुप पे, आपका वीडियो देखने के बाद ही बोला. ये तो मुझे पता ही नहीं था आप ऑलरेडी वीडियो बना रहे हो, आपका चैनल बना हुआ है. तो वो तो मैंने जस्ट एक आपकी आवाज सुन के, आपका वीडियो देख के गेस किया. तो यू आर अ पर्सन इन द मेकिंग, यू आर ऑलरेडी क्लोज टू व्हाट यू आर डूइंग. तो उसको कंसिस्टेंट रखो, बस कंसिस्टेंसी विल बी द की इन योर केस. Perfect. Video अच्छे बन रहे हैं आपके. You're choosing good background. Everything is going good. Yeah. I need to work on my content. आपका content जो है वो धीरे-धीरे improve हो जाएगा. अभी अभी पहले 3 दिन हैं अभी course के. So अभी मैं आपको और feedback दूंगा. अपने आप ही twist हो जाएगा. अभी 5वें-6वें दिन के बाद सबका content बदलाव आ जाएगा. खुद ही देख लेना अभी. Okay. So yeah. you leave that up to me. Yeah. Okay. Uma Shankar Sahu, how are you? Hi sir. वीडियो जो बनाते हो ना, ऐसे ऐसे हाथ रख के बनाओ, स्क्रीन रख के बनाओ, हाथ हाथ चलाओ, बॉडी जेस्चर होना जरूरी है, हैंड जेस्चर्स होने जरूरी है. कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? पूरा सर कॉन्फिडेंस है और कंटेंट भी है. अब ना ऐसा लग रहा है कि कोई भी टॉपिक कहीं भी मैं खड़ा हो जाऊँ ना, तो मेरे को उतना कॉन्फिडेंस है सर, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. और मेरे को कॉन्टेंट में एक चीज कल ये आ रहा है कि अगर मैं सोच रहा हूँ प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर बात किया जाए कंटेंट तो ज्यादा कुछ क्रिएटिव होगा. एक्सीलेंट, अगर मैं कुछ को सॉल्व नहीं कर पा रहा उसी को मैं सोच रहा हूँ कि कुछ यूनिक करूँ. यू हैव गॉट अ वेरी स्वीट स्माइल. आपका स्माइल बड़ा स्वीट है, एंगेजिंग स्माइल है, कंटेंट में नेचुरल फ्लो है. कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू. हु एल्स इज फीलिंग कॉन्फिडेंस राइट नाउ इन मेकिंग वीडियोस? एनीबॉडी? या सतबीर जी, हाउ आर यू? या वेरी गुड इवनिंग. आई हैव बीन थिंकिंग. I am 70 young, so throughout my life journey, I have learned a lot from society, from my parents, from my mentors. So I've been thinking for more than a year to start sharing it through the videos and all. So, but I was a little hesitant. Now I got confident, and very soon I'll be starting focusing on my experiences in a different fields. Vastu on naturopathy, on numerology. Excellent, excellent. One of my mentee, she is also from our Sikh religion only. You know, after the course, she started putting her Vaak Sahib on Sikh community group. And recently I got an update. She has been hired by Chartikala Time TV. That's great. That's really great. Great news. Whoa. You're getting it. You start doing something and you get the reward. That's the power. सवेरे तुसी उठो, स्नान करो, पग बंधो, नाश्ता करो, गुरुद्वारे मत्था टेको, बाबा जी का पाठ पढ़ो और एक वीडियो बना दो, चक दे फटे. यू नो, यू विल बी एन अमेजिंग स्पिरिट. वॉइस इज बेटर, पीपल विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. यू आर सच पर्सनालिटी, आई एम टेलिंग यू. यू ऑलरेडी हैव इट, इट्स जस्ट अ टाइम टू अनलीश दैट, एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट. ब्रिंग इट आउट, आई सेड ब्रिंग इट आउट. थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू. चीयर्स टू दैट. I appreciate your participation and I appreciate your energy. Jeda tuhanda hune da video banaya siga on childhood.
I want that kind of smile expression on you. And keep the mobile and move the hands. God bless you. Yeah, who else is facing confidence? Feeling confidence. Facing. Yeah. Himlata, how are you? Yes, sir. I'm fine. And the very first day, I was not so comfortable with the camera and speaking about the things. But after the third day and fourth day, I'm feeling confident. And I'm able to make the stories also right now. Thank you so much. So, you know, in your case, you get a little conscious when you talk. You talk slowly. You talk purposely. You have good enunciation. You have good phonetic sound. And the best part is you have good hold on vocabulary. You have command on language. Now it's time to use your hands. Look at me. I'm using hands. I'm bringing so much of energy. I'm using my face. Do that. Yes, sir. Do that. Yeah. Thank you. More power to you. You're doing good. I'm watching your videos very closely. Great job. Okay. Who else want to talk? Who else want to share that he's sitting? Santosh Kologra ji, how are you? Namaste. Welcome to you, Jugal. Aap mute par hain. Namaskar ji. Good evening, sir. Good evening. किताबें पढ़ते हैं जो पीछे रखी हुई है या सिर्फ दिखाने के लिए रखी है? नहीं, ये मेरी बेटी है, वो आईआईटी में प्रोफेसर है, ये सब अच्छा, उसकी गलत जगह पंगा ले लिया मैंने तो ये उसकी किताबें हैं, ये कि कुछ मैं पढ़ता हूँ इसमें से जनरली बड़े बड़े लीडर्स की बायोग्राफी है ये। मुझे आपके विचार सुन के मजा आ रहा है, मुझे आपकी ऑथेंटिसिटी मजा आ रहा है। आपने जो गॉड के ऊपर वीडियो बनाया, आज आपने चाइल्डहुड के ऊपर बातें करी, मुझे मजा आया सुन के। मुझे आपसे एक्सपीरियंस सीखना है, आपका एक्सपीरियंस है, मुझे उससे सीखना है। तो आप अपना कंटेंट में और एक्सपीरियंस डालिए। अच्छा, मुस्कुराना मत भूलिए, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। स्माइल करो एक बारी, स्माइल करो। ये स्माइल करना नहीं भूलना बिल्कुल भी, ये बीच बीच में स्माइल आना चाहिए, बिल्कुल रफ नहीं करना। कॉन्टेंट बनाते बनाते व्हाट इज हैपनिंग इज सम ऑफ यू आर गेटिंग सीरियस। ये सीरियस नहीं होना चाह रहा, लाइफ में क्या करते हैं सीरियस होके, कौन कुछ लेके गया यहाँ से, तो सीरियस नहीं होना, बीच में स्माइल। एक चीज मेरी प्रॉब्लम है जो फेस करता हूँ पहले भी अभी भी, मैं ना ऐसे जैसे अभी माइक पे बात करना है तो मैं एक तो मुझे पता नहीं कैसे लगता है जल्दी जल्दी बात खत्म करो, और एक जो मेरे टॉपिक होते हैं वो भूल जाता हूँ। नहीं, मैं आपको इसका टेक्निक देता हूँ। एक तो सबसे पहले टेक्निक ये, सिर्फ एक वीडियो में एक ही आइडिया दो। अच्छा, पहला, क्योंकि तीन मिनट में बहुत सारी बातें नहीं कर सकते आप। दूसरा, आज आपको जो भूल रहे हो कंटेंट, उसकी टेक्निक देके जाऊंगा आज सेशन खत्म होने से पहले। दैट्स अ प्रॉमिस। थैंक यू। वैसे बात जो मैं बात बोलता हूं वो अपने दिमाग से बोलता हूं, कहीं से लिख पढ़ के नहीं बोलता। बढ़िया बढ़िया। I am lacking your authenticity। मैंने तो बोल दिया आपको पहले से, हाथ चलाने, हैंड जेस्चर यूज करना। थैंक यू सर, आई विल ट्राई दैट। थैंक यू। सुपर। ओके, यस, जुगल किशोर, यू वांट टू से समथिंग? आई विल कम टू यू टीना। हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो आ गया है बोलने में, लेकिन एक चीज मेरे को फील होता है कि जैसे कैमरे के सामने जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया तो वो मेरा कोई और वर्जन है, लेकिन अगर मैं वही फेस टू फेस किसी को बता रहा हूँ, जैसे मैं लोगों से बात जब करता हूँ फेस टू फेस, वही समस्या उनको बतानी है, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं कैमरे के सामने कुछ और हूँ और सामने से बात कर रहा हूँ तो मेरा कुछ और ही वर्जन निकल गया है। बस वही अचीव करना है, जो गैप है ना, बहुत अच्छी बात बोली, इतनी छोटी उम्र में आपने इतनी बड़ी बात पकड़ ली। जो ये गैप है ना, बस यही कैच करना है, एग्जैक्टली ये कैच करना है, बस ये कैच करते ही आप बन गए। हां तो सर, वही वो वाली चीज तक कैसे पहुंचे, उस लेवल तक पहुंचे कैसे? ये प्रोसेस है, धीरे धीरे ऑथेंटिसिटी लाओ, नेचुरल स्पीकिंग करो। अभी भी आप देखो ना, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नेचुरल स्थिति में जैसे बोलता हूँ वैसे बोल रहा हूँ, कुछ ओवर नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे ही आपको एनर्जेटिकली बोलता हूँ जब मैं सेशंस में होता हूँ, तो नेचुरल है। नेचुरल टोन में जितना ज्यादा फ्लो में आओगे उतनी जल्दी अपनी माइंड और माउथ की हार्मोनी क्रिएट कर लोगे। क्या बोला मैंने? माइंड और माउथ की हार्मोनी, ये सीक्रेट है। गॉड ब्लेस यू, शाबाश, ग्रेट जॉब। टीना आशीषा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? वेरी वेल। आपका कैसे आना हुआ यहाँ पर? आप हमें क्या सिखाने आई हैं? आप तो एजुकेशन फील्ड से हैं। सर, अभी तो सीखने आई हूँ, लाइफ में एक बड़ा चैलेंज। शुभम, म्यूट करो आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ो थीना। हाँ जी सर, एक चैलेंज फेस कर रही थी काफी टाइम से। बेटा मेरे को बहुत टाइम से बोल रहा था कि आप वीडियोस में आ जाओ मम्मा। अपना स्टार्टअप किया है मैंने, जिसमें मैं बच्चों को करियर काउंसलिंग करती हूँ और एजुकेशन फील्ड में कुछ ट्रेनिंग देती हूँ, लेकिन वीडियोस में आने का हिम्मत आज तक नहीं हो रहा था। और अभी भी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, आई वॉच ईच ऑफ माय वीडियो एंड फाइंड आउट द मिस्टेक्स, आई वांट टू करेक्ट इट। ठीक है, अभी आपने पहला वीडियो बनाया, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, आवाज में दम है,
हाई फाई कर दो वहीं से, थैंक यू। आवाज में दम है क्योंकि आवाज पॉलिश्ड है, टीचर हो ना, बोल बोल के आवाज में दम आ गया। सो स्टूडेंट्स टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट, आवाज में दम आ गया है ना, आवाज पॉलिश हो गई बोल बोल के, तो वो वाली चीज पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है अपने को। अब आपको मेहनत करनी है आवाज धीमे करने में, बिल्कुल धीमा, okay. और धीरे, और धीरे, okay. बिल्कुल धीरे, काम डाउन, बिल्कुल धीरे, वॉइस रेंज लो लेके आनी है। कैसे मुझे अपनी आवाज में एक ऐसा चुंबकपन लाना है, एक ऐसा मैग्नेटिज्म लाना है, जिससे मैं अपनी आवाज में एक ऐसा फीलिंग, यस, एहसास लेके आऊं, जिससे कि आप मेरी आवाज को ऐसे ही सुनते रहें और ये स्विचिंग आपको समझ में आ जाए। दैट्स व्हाट यू नीड टू फॉलो, एब्जॉर्ब एंड डिस्प्ले, ठीक है। okay. इस पे काम ज्यादा करना है आपने, बाकी सब हो जाएगा आपके लिए सिर्फ, ठीक है। ग्रेट, रंजीत सोनी, आई विल कम टू यू। रंजीत, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है वीडियो बनाकर? यस सर, अभी सर वीडियो बनाने से ये हो रहा है कि हमारे जो थॉट प्रोसेस और डेवलप हो रहे हैं। जब हम डे टू का रिकॉर्ड किए, डे थ्री का रिकॉर्ड किए, अब ये लगता है कि अब कंटेंट को और अच्छा कैसे बनाएं। जो आप जहां पर बैठे हो ना, वहां आवाज इको होती है, या तो माइक यूज करो ना सर। एक्चुअली माइक यूज करता हूँ सर, इको यहाँ जो रूम है लॉक है ना, तो उसकी वजह से इको हो जाता है। एकॉस्टिक फॉर्म ले लो, एकॉस्टिक फॉर्म आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगी, और वह पता कर लो, अगर कहीं किसी के पास पड़ी हो तो वो आप यूज कर सकते हो। आवाज बिल्कुल उससे आपकी साउंड प्रूफ हो जाएगा जो भी जगह अपने। अकॉस्टिक फॉर्म यूज कर लो आप, अगर आवाज ज्यादा गूंज रही है तो। अच्छा, आपके फिलर पे आपने विजय प्राप्ति कर लिया, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, वहीं से वर्चुअल हैंडशेक कर लीजिए। थैंक यू सर। ओके, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, रंजीत हमारे पिछले बैच में आया था, यूथ बैच में। रंजीत, यू वर देयर। रंजीत को सबसे बड़ा चैलेंज था फिलर्स का। आज आप रंजीत की वीडियो देखेंगे, एक भी फिलर यूज नहीं करता है, टोटल खत्म, फिलर खत्म। मोर पावर टू यू, ग्रेट जॉब, यू हैव वर्क्ड हार्ड। ओके, यस, आई विल कम टू बीना जी। जिन लोगों से बात हो गई है वो हैंड ऑन कर लीजिए। बीना जी, हाउ आर यू? आपका पहला वीडियो कर देगा मैंने। गुड इवनिंग। कॉन्फिडेंस आपको एक वीडियो में आ गया या पहले से था, बात करने का मन कर रहा था? सर, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। जब भी वीडियो बनाने वाली बारी आती है ना, तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। आपकी बातों में सच्चाई है, आप जब बोल रहे हो ना, सच बोल रहे हो, सच्चाई है, ट्रुथ है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी फीलिंग वॉर्म्थ की है, वो डेवलप करनी है। और उसके अलावा आप कॉन्टेंट में थोड़ी सी और इफेक्टिवनेस लाइए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन रीड कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, किताबें पढ़ना शुरू करना है, समय आ चुका है, आपको किताबें पढ़नी है, किताबें पढ़ करके अपने माइंड को और पॉलिश करना है। All the speakers are great readers and great readers are great leaders. सोचना पड़ता है मुझे, बोलने से पहले ना बहुत सोचना पड़ता है, उसके बाद मुझे मैं बोलती हूँ। हाँ, कंटेंट थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, वहां पर मैंने आपको थोड़ा सा रीड करा, अभी और वीडियो देखने बाकी है, बट यू आर डूइंग गुड। और कोई बात करना चाहेगा? यस, डॉक्टर राकेश, मैं उस दिन आपको मेडिकल फील्ड से समझा, बाद में आपने मुझे क्लेरिफाई कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पे वहीं अटल हूँ। अगर आपकी आवाज लोगों तक पहुंच जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, बस पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू। एक्चुअली सर, आई एम इंग्लिश टीचर सर, बट मेकिंग वीडियो इज अ चैलेंज फॉर मी आल्सो। ओके, एंड आई वांट टू से समथिंग अबाउट माय नॉलेज। आई कैन हैव ऑब्जर्वेशन अबाउट मेनी थिंग्स, बट द फ्लुएंसी इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। And after joining your session, I could get my strength. No, excellent. You are actually, if you are facing any challenge on the fluency part, let me tell you that start talking in moderate speech. And when you come in front of the camera, just be yourself and try to speak your mind in a relaxed way. For example, something like this. Hello, everyone. Today is my day 4 and I'm here to talk about this. Yes. Moments ago, I was not aware what I'm going to speak, and I started preparing, and now I'm feeling comfortable. What should I tell you? So just be comfortable in front of the camera. Okay. Thank you, sir. Yeah. Be more composed. You will achieve your fluency. Nandita, how are you? Yes, Nandita. Sir, I'm good. Thank you so much. Sir, I have improved a lot, but I fumble in between. I just want to overcome that. You must have seen. I know my content. अरे fumble भी है, और पता है क्या, आप बहुत ज़्यादा overload कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि बहुत information देनी है मुझे, कोई मेरी video देखे और उसको बहुत information दे। ठीक है, लेकिन एक चीज आप और ध्यान रखना,
आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं देनी है, उतनी देनी है जितना उसको एक चीज को मैसेज को पकड़ के उसको एब्जॉर्ब करे पहले, ओवरलोड मत करो ज्यादा इन्फॉर्मेशन. सो यू आर गुड इन व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव गुड कमांड ऑन द लैंग्वेज ऑल्सो. And for you, I think I've noticed a couple of things. One is that you are not using your hand gestures. Second, voice modulation, you need to work on. I will be talking about that today. I'll be talking about today about the voice modulation also. But you're doing good. Sir, one day I want to sit beside you and oh, pleasure is all mine. You're always welcome. Okay. Whenever you are in Chandigarh, I will have. Oh, yes, yes. I keep on coming there. Yes, Akash, how are you? Sky. Aap video bana rahe ho? No, so sir, like this is my first time that I have joined this session. Okay, so what do you want to talk? I just want to talk like what is my problem. So sometimes I stumble when I speak in front of the people. So that's the first thing that I want to overcome. And the second thing is after that I want to make some videos, and there I speak perfectly fine. So that's I want to improve. That's why I joined the session. Okay, start making few videos. Let me check. We will talk after that. Okay, I got your point. Thank you. Thank you. All right. How are you? Yes. Vikramjeet, how are you? Sir, all well. How are you? Very well. Good. Very well. You're growing with some confidence. Definitely. I actually started making videos quite few months back. So I have made a longer versions also earlier, but this was after a long time that, you know, within that short time, I had to, you know, convey things. And when you talk, you grow in confidence also. And because camera talking is a different thing. Very so true. Is, very true. Yeah. अच्छा, आप जो वीडियो बना रहे हो ना, आप ध्यान से टॉपिक पढ़ो. जैसे आज आपका चाइल्डहुड का टॉपिक था, उसमें आपने अपने डैड के रिलेटेड कुछ कहानी बताई, वेयर यू हैव ट्राइड टू टच अपॉन द पॉइंट्स ऑफ योर चाइल्डहुड, बट मोर ऑर लेस द टॉपिक वाज नॉट वेरी वेल कनेक्टेड टू टुडेज टॉपिक. इट वाज वेल स्पोकन, बट इट वाज नॉट समहाउ कनेक्टेड टू चाइल्डहुड डेज इन अ वे इट शुड बी कन्वेड. सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ व्हेन यू आर गोइंग फॉर द कंटेंट, जस्ट चेक आउट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू कन्वे. What is the message my audience will perceive? How my audience will receive the message and how my audience will feel? That's a very important question. Whenever you are producing any video, whenever you are creating any video, what message my audience will take from my video when I will finish? It should be very clear to you. Second, I want you to talk. I want you to use your hand gestures. I do not want you to show off more. Mic ke samne khada hona, ye wo. No, I want you to be raw. I want you to be more natural. Somewhere वो authenticity ना आ नहीं रही. हाँ, आपके content में truthfulness है, सच्चाई है, चेहरे पे आती है, emotion आता है. When you speak with emotion, lot of emotions are coming. But you're just in the progress of unveiling some authenticity at your end. And I'm sure when you will produce more videos, and by the time you will work on more feedback from my side, you can definitely see the change in you. And start smiling in front of the videos. You smile less, smile more. Communication with smile is very powerful versus communication without smile. Remember it. Okay. So just keep that in mind. Rest going well. Good start. You're doing good. Super. Ravindra Shimpi, how are you? Aaj main aapke saamne kuch bolna chahta hoon. Aise nahi bolna. Kya ho gaya aapko? Unmute karo. Mujhe aapse baat karna hai. Haan. आप क्या करते हो? मैं LIC में हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर. आप LIC में DO हैं, आप तो पर्सुएसिव स्किल्स के मास्टर होने चाहिए. हाँ, लेकिन वो कैमरे के सामने है. ऐसे तो मीटिंग्स में वगैरह बोलता हूँ, लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा नर्वसनेस आ जाता है. अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है. मैंने अभी मैं तो आप थैंक करो कि मैंने कम से कम चार आज का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है. तो पूरा कोशिश किया, फर्स्ट टाइम अब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था जी, फर्स्ट टाइम ही किया मैंने. पर मैं आपकी हिम्मत के दा देता हूँ साहब, मैं आपकी हिम्मत के दा देता हूँ कि इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन उथल पुथल चल रही है जिंदगी में, पर आप हिम्मत नहीं तोड़ रहे. तो आपकी हिम्मत की दाद, आई सैल्यूट यू फॉर दैट. बट हम यहाँ कोर्स में है, हमें इम्प्रूव भी तो करना है ना. यस, तो मेरा काम यह है आपको बताना. एक आप जोश में मेरे साथ बोलेंगे,
दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं रविंद्र शिल्पी आपके सामने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ बताने आया हूँ। ऐसे बोल के दिखाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं थोड़ा और एनर्जी, नहीं ऐसे नहीं, नहीं फेल, ये रिजेक्ट हो गया, और एनर्जी लाओ थोड़ा सा। दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र शिल्पी, रिजेक्टेड, और जोश। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार, नहीं मजा नहीं आया, घर वाले उठ के ना, ना रिजेक्टेड रिजेक्टेड, घर वाले उठ के नहीं आए, घर वाले जब तक ना आए ना तब तक बोलते रहना। आज खुल जाओ आप, आज जो होगा देखा जाएगा। रविंद्र जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आज आज नहीं रुकना, आज दिल की बात करो अपनी। नमस्कार, दोबारा से पूरी लाइन बोलो बोलो। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र शिल्पी, आज मैं आपसे ठीक है। अब आप देखो, जब आप ऐसे जोश में बोलते हो ना, तो जब आप ऑडियंस के सामने 110% मेथड से यूज कर, दिस इज नोन एज 110% मेथड व्हिच आई हैव क्रिएटेड। इसका मतलब यह है, जब आप कैमरा के सामने, आकाश म्यूट पे चले जाओ, जब आप कैमरा के सामने 110% एफर्ट से बोलते हो, सामने वाला जो आपका स्पीच सुन रहा है वो या तो 100% पे होगा या 100% से लेस होगा। ऑटोमेटिकली उसको आप दमदार इम्पैक्टफुल दिखोगे, ये ऑटोमेटिकली होगा, उसको आप पसंद आओगे आओगे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। रविंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? ये एकदम से मैंने वॉइस रेंज हाई करके, पिच हाई करके अपनी आवाज में क्लैरिटी दे दिया, ठीक है। अब मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट करता हूँ। रविंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप, खत्म, गेम ओवर, ठीक है। तो आपको थोड़ा अपना 110% जैसे कैमरा के सामने आ गए, अब एक बार आंखें बंद करी और अपने आप से बोलना है, रविंद्र आज का ये वीडियो बेस्ट होना चाहिए तेरी लाइफ का, और आज जो मैसेज देना है, लोग इतने कमेंट करें कि मजा आ जाए। लेट्स स्टार्ट, आंखें खोली, स्टार्ट। अपने अंदर सेल्फ बिलीफ क्रिएट हो जाएगा, हाई सेल्फ एस्टीम में जैसी चले गए आप, जैसी हाई सेल्फ एस्टीम का जोन क्रिएट होगा, इमीडिएटली आपका वीडियो में फर्क आ जाएगा, पर्सनैलिटी में फर्क, बोलने के तरीके में फर्क आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा काम करना है, बाकी आप बढ़िया कर रहे हैं, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर। करना ही है, आज मैं वही फेलियर और सक्सेस में वही बताया है, ये हमें जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होता तब तक वीडियो बनाते जाना है और पोस्ट करते जाना है। एक्सेलेंट, आई अप्रिशिएट यू, पूरा पोस्ट नहीं है, बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट जी। आप में से कितने लोगों को मजा आ रहा है ये काम करके जो हम कर रहे हैं? अगर आपको मजा आ रहा है तो आप एक हार्ट दे दीजिए स्क्रीन पर, हार्ट कुछ इस तरीके से, आप हार्ट दे सकते हैं, यस एग्जैक्टली, ये हार्ट दे सकते हैं अगर आपको मजा आ रहा है काम करके। थैंक यू वेरी मच, तो सभी को मजा आ रहा है, आई एम ग्लैड everybody has given heart, thank you very very much for all your appreciation friends। aap jab bhi apni talk shuru karte hain, maine bahut sare logo ko dekha hai, hello everybody, so today Sherry sir has given us a topic on missing your childhood days, no aisa nahi bolna, good morning everybody, namaste, today my topic is day one, nahi aisa nahi bolna, reject it, nahi bolna aise, आपको बोलना है क्यूरियोसिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक दीजिए मुझे, एनीबॉडी गिव मी अ टॉपिक, फेलियर, ब्लेसिंग और मिसिंग, टुडेज टॉपिक, लीडरशिप, ऑलराइट, आई गॉट द फेलियर फर्स्ट, मैं उसी पे बोल देता हूँ। आई वाज क्राइंग दैट टाइम व्हेन माय टीचर सॉ मी एंड शी सेड, सुप्रीत व्हाई आर यू क्राइंग बेटा, कम हियर। I wiped off my tears and I went to my teacher and she said, why are you crying? Nobody's in the class. Why are you not going to the playground? It's recess time. I said, ma'am, nobody wants to play with me because I'm shy. Friends, it was just sixth standard and that was my first failure in relationships. And I realized that later on. And my class teacher at that time told me something which will forever resonate with me. And she said, why you are bothering about somebody's opinions? Don't let someone else's opinion become your reality. That just changed my life. And I started thinking that, yes, I can also play and I can also remove my shyness. And I started talking to my classmates around. And finally, I overcame my first failure. So welcome, everybody. Today, I'm going to talk about
दिस इज वन वे ऑफ स्टार्टिंग. जैसे आपने लीडरशिप बोला, लीडरशिप में आप स्टार्ट को ऐसे कर सकते हैं. Nice phone. Let me call somebody. Oh, I feel like drinking water. Summer is on. For every action which you perform at your end, you are already applying something known as leadership. Even if you get up from your own sofa of the house and you go to the kitchen, and you take the glass of water, it requires leadership. If you cook food for your own self at your own end, it requires leadership. Leadership skill is already inherited within us. And it's time for us to understand how leadership skills can be substantiated in our corporate job and business world. Hello, everybody. This is author Sherry. And today I'm going to speak something around leadership. Something like that. Does this sound a little interesting? Which interest I have? So what I'm trying to do is, I'm just trying to think something interesting. I'm trying to create curiosity. I'm trying to bring something new. Hello, everybody. Today is day 5 and I'm going to talk about... No, don't do that. No, day 5. Don't do that. Give me a start. So I'm emphasizing on the start of the talk. Emphasize on the start of the talk. How you speak in the beginning. The first 30 seconds and the last 30 seconds of your talk is crucial. It's crucial. Okay. So just keep that in mind. Now further, I also want to share with all of you about the voice. And let me quickly share the screen with all of you. And I'm going to talk about the voice. So many of you are aware that the voice has a range, the upper range and the lower range. So that's high pitch and low pitch. And I also call this as octave. So when I'm talking right now, if you notice that I'm talking in high octave, when I'm talking right now, if you notice that now I'm talking in medium octave, when I'm talking right now, if you notice, I'm talking in low octave. So low, medium, high octave. जब आप इन तीनों चीजों का variation करते हैं अपनी talk में, आपकी वॉइस धीरे धीरे मॉड्यूलेशन की तरफ झुकाव देती है. आपकी वॉइस धीरे धीरे वेरिएशन लाती है. टॉपिक इंटरेस्टिंग बनता है. तो आपको जब भी अपनी स्पीकिंग करना है, आपको ये देखना है नेचुरल वे में. नेचुरल वे में आप अपनी टॉक को कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं, कैसे हाई ऑक्टेव, मीडियम ऑक्टेव और लो ऑक्टेव पे ला सकते हैं. पहला. दूसरा, अगर आपको अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक करना है. वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या होता है, आप अपनी आवाज से लिटरली प्ले कर रहे हैं. हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लीडरशिप. फ्रेंड्स, वी ऑल हैव लीडरशिप क्वालिटीज, बट लेट मी टेल यू दैट इट इज नॉट सो कॉमन व्हेन वी स्टार्ट सर्विंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ लीडर्स आर नॉट एक्चुअली कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे स्टार्ट फीलिंग डिससैटिस्फैक्शन अबाउट द करंट रूल्स. Give me a raise of hand if you are in a corporate job and you are unsatisfied. I know many of you are unsatisfied. Maybe publicly you will not accept it. So right now I'm actually using my modulation of voice. I am going little up, down, up, down, up, down, up, down. Namaskar dosto, kaise hain aap sab log? Ye bhi ek tarika hai voice modulation use karne ka. Hello everyone. This is author Sherry. What a beautiful day today we all have. Namaskar dosto, main hu Jugal Kishore aur aaj main aapke samne bolne wala hu bachpan ke un dinon ke bare mein jin dinon ne mujhe aaj ye sochne pe majboor kar diya ki dil to bachcha hai ji. To voice modulation bahut zaruri hai. Aap jaise hi voice modulate karte hain, you look interesting as a speaker. You invite people and you actually follow the brain sound. ब्रेन का साउंड आपको दिखाता हूँ. ब्रेन का साउंड कैसे होता है आपको समझ में आएगा, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन इतना जरूरी है. आई होप यू कैन सी द स्क्रीन. हमारा ब्रेन का साउंड ऐसा नहीं है. ये काटा मार दिया मैंने इसमें. हमारा ब्रेन का साउंड ऐसे है. ज़...
ये हमारे ब्रेन का साउंड, तो इसमें क्लियरली मॉड्यूलेशन है, ये मॉड्यूलेशन है यहाँ पर, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है। अगर आप वॉइस मॉड्यूलेट करेंगे इससे आपका जो ब्रेन का वॉइस है वो मैच हो जाता है, जिसके वजह से आप जब भी, जस्ट अ सेकंड लेट मी क्लोज दिस, तो आप जब भी इस तरह से वॉइस मॉड्यूलेट करेंगे आप एक्चुअली अपने लिसनर की ब्रेन लैंग्वेज मैच करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस का अटेंशन स्पैन मॉड्यूलेशन की वजह से हाई हो जाता है, क्योंकि आप ब्रेन की लैंग्वेज कनेक्ट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? जस्ट गिव मी अ थम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ दिस इज क्लियर टू यू। मॉड्यूलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल टेक ऑल योर क्वेरीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वॉइस मॉड्यूलेशन को इम्प्रूव करना जरूरी है। जैसे कि मैंने कुछ लोगों को देखा वो वॉइस मॉड्यूलेशन में नहीं बोल पा रहे थे, उसके लिए आप एक बेसिक एक्सरसाइज जो आप फॉरएवर लाइफ में फॉलो कर सकते हैं वो आज सीख लीजिए। और ये बेसिक एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से है, आपने हमिंग साउंड करना है, हमिंग साउंड आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हमिंग साउंड है। तो पहले इनहेल एक्सहेल करेंगे 5 बारी, इनहेल एक्सहेल इसलिए करना है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी है आपकी वॉइस थ्रो क्रिएट करने के लिए, वॉइस का प्रेशर क्रिएट करने के लिए। जब भी हम वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करते हैं एक्चुअली वॉइस का प्रेशर होता है उसमें, यानी कि आपका लैरिंग्स में आपकी हवा, ये इसका प्रेशर ज्यादा होता है। हम सांस ज्यादा खींचते हैं, सांस हम तभी ज्यादा खींच पाएंगे जब हमारा डायफ्राम हमारे लैरिंग्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होगा, हवा खींचनी पड़ेगी। जैसे ही आपने एक कोऑर्डिनेशन क्लियर कर लिया अब आपकी आवाज आप आराम से खींच सकते हैं। इसमें आपको एक फायदा और होगा, आपका फंबलिंग और मम्बलिंग जो कभी कभी टंग से हो जाता है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा, ड्रास्टिकली लो हो जाएगा और एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको हमिंग साउंड करके दिखाता हूँ, पहले इनहेल फिर एक्सहेल आवाज के साथ। आप इसे कुछ लोग हिंदू रिलीजन से हैं, आप ओम का साउंड भी ले सकते हैं, डबल बेनिफिट हो जाएगा, हमिंग साउंड भी आ जाएगी और ओम का जाप भी, भगवान को भी याद करेंगे। ठीक है, तो आप ये हमिंग साउंड की प्रैक्टिस कीजिए, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। वाज दिस यूजफुल? इफ दिस वाज यूजफुल जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यूजफुल, कम ऑन डू दैट। अगर ये यूजफुल था आप बता दीजिए चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये यूजफुल लगा। अब मैं आपको आपकी आवाज को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपकी फेशियल एक्सरसाइज यानी कि आपकी क्रोनोफेशियल मसल के लिए और आपकी टंग के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। स्टे रेडी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेज, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। आपकी आवाज को स्ट्रेंथन करने के लिए हम सबसे पहले ये एक एक्सरसाइज करेंगे और ये साउंड निकालेंगे, बेबी बाय हू हू, बेबी बाय हू हू, बेबी बाय हू हू, बेबी बाय हू हू, बेबी बाय हू हू। बस ये एक अटपटा सा साउंड निकालना है, बेबी बाय हू हू। ये साउंड निकालने से एक्चुअली में आप अपनी आवाज को स्ट्रेंथ देंगे, आपकी जो वोकल कॉर्ड है वो एक मसल की तरह काम करती है, उस मसल को आप स्ट्रेंथ दे सकते हैं, बेबी बाय हू हू, बेबी बाय हू हू। ये डायरेक्टली आपके वोकल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है ये शब्दों की आवाज। फेशियल एक्सप्रेशन और फेशियल एक्सरसाइज या आपका लिप्स और माउथ का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है जब आप स्पीकिंग करते हैं, तो आप उसको एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इससे आपको फेशियल एक्सरसाइज जो आपके क्रोनोफेशियल मसल है, लिप्स और माउथ का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इजीली होगा और ये एक्सरसाइज करने से आपकी आवाज खुलेगी
आपकी वॉइस मम्बलिंग रिड्यूस हो जाएगी और जितने लोग जिनको स्टैमर और स्टटरिंग का इश्यू है उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत जल्दी फर्क आ जाएगा। तीसरा टंग एक्सरसाइज है। टंग एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करेंगे, मेरे को ध्यान से देखिएगा। पहले हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, ये टंग है। अब इसको हमने ये जो एरिया है यहाँ टच करना है सब जगह पर। बिल्कुल आराम आराम से, ये बहुत सेंसिटिव होता है पार्ट, बहुत आराम, कोई जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दर्द होना शुरू होगा। दर्द हुआ, यहाँ दर्द होना शुरू होगा, जैसे दर्द हो जाएंगे बिल्कुल छोड़ देना है, रिलैक्स। इसका क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन ये है कि आपका जो टंग है वो एक्टिव हो गया है। अब आप अपनी आवाज बोल के देखिए, कुछ आपको खुद ही अपनी आवाज में क्लैरिटी महसूस होगी। बोल के देखिए, सुनो खाना बन गया, सेशन खत्म होने वाला है, बोल के देखो, से समथिंग एंड यू विल फील द क्लैरिटी। ठीक है, दूसरा आपकी टंग एक्सरसाइज, टंग को एक्टिवेट करने का दूसरा तरीका है स्ट्रेचिंग लेफ्ट एंड राइट। ये बहुत आराम आराम से करना है, बिल्कुल डेलिकेट है हमारा, ये सेंसिटिव ऑर्गन है। एक टिश्यू पेपर लेके बैठेगा ताकि माउथ से वाटर निकलता है, उसको आप क्लीन अप कर लें। और बहुत आराम से करना है ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज करने से आपको फायदा ये होगा, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं, वीडियो बनाइए, टॉक पे जाइए, स्पीच दीजिए, टेड टॉक पे जाइए, एमएस टॉक पे जाइए, जोश टॉक पे जाइए, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप जब ये बेसिक एक्सरसाइज कर लेंगे आपका एक्टिवेशन हो जाएगा मसल्स का। हमारी जो टंग है वो एक मसल है, अगर हमारी मसल एक्टिवेट हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपकी आवाज में कभी मम्बलिंग, फम्बलिंग, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, वॉइस थ्रो, आवाज कैसे निकल रही, ये सब इशू खत्म, जड़ से खत्म। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, अगर आप ये एक्सरसाइज केवल 15 दिन इस कोर्स के साथ, अगले 10 दिन भी कर लेते हैं, रोज एक्सरसाइज कीजिए वीडियोज बनाने के साथ साथ, आई प्रोमिस यू आपके बेसिक इश्यूज जो वॉइस से रिलेटेड है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। वॉइस में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें आपको बहुत फर्क दिखेगा, कम से कम 20-25% फर्क आ जाएगा, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, अगर आप बैठ करके इसको डेडिकेटेडली करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि आपकी वॉइस क्वालिटी बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। वाज इट यूजफुल? अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है और अगर आपको लगता है कि आज आपने सीखा है, तो आप टाइप कीजिए लर्निंग अ लॉट, लर्निंग अ लॉट। Great, super. Thank you very much all of you. जिन जिन्होंने रिप्लाई कर, काफी लोगों ने रिप्लाई कर दिया, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। तो अब मैं आपको स्क्रिप्ट, जिसका बहुत इशू आ रहा है, आप में से किसी ने बोला कि मुझे स्क्रिप्ट याद करने में दिक्कत होती है, आई थिंक संतोष जी ने बोला, तो अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊं कि आपको स्क्रिप्ट याद ही ना करनी पड़े, अगर आपको मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊं जो आप यूट्यूब वीडियोज बनाने के लिए बिना स्क्रिप्ट लिखे अपनी बात को याद रख सकते हैं, मैं एग्जैक्टली इस टेक्निक को यूज करता हूं और इसके बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, यू वांट टू लर्न दिस टेक्निक? इफ यू वांट टू लर्न दिस टेक्निक जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स PIO, ब्रिंग इट ऑन, ताकि मुझे पता लग जाए आप वाकई में सीखना चाहते हैं। ये टेक्निक आप सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि मुझे मालूम है जब आप कॉन्टेंट बनाते हैं, कुछ लोग, अभी एक दो लोगों को मैंने टोका भी, वो ऐसे थोड़ा सा हल्का सा आंख इधर देखते हैं, फटाफट बोलते हैं, स्क्रीन के सामने पर्ची रख लेते हैं, आंख इधर करते हैं फिर सामने देखते हैं, मुझे पता लग जाता है आप देख के बोल रहे हो, क्योंकि जैसे आपको वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस है, मुझे वीडियो इवैल्यूएट करने का एक्सपीरियंस है। थैंक यू एवरीबॉडी, और मैं आपको अब बहुत क्विकली इस टेक्निक के बारे में सिखाता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो बिना प्रिपरेशन के और याद ना रखने वाली जो कला है वो आप सीख जाए, ताकि आपको कॉन्टेंट याद करने में कोई दिक्कत ना हो और आप सीधा कॉन्टेंट बनाए। देखिए, अगर आप अपना कोई भी कॉन्टेंट, इसको स्क्रीन को, आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, I call this as acronym method. इसको acronym method बोलते हैं। Acronym method में आपको 5 से लेकर 15 मिनट
कोई भी कंटेंट बनाना है आप कोई भी थ्री लेटर वर्ड चूज कर लीजिए, जैसे एम, एयर, फ्राई, फ्लाई, शाई, इसका कोई भी थ्री लेटर वर्ड यूज कर लीजिए। अब मान लेती है, मान लीजिए एम है, ठीक है, एम वर्ड यूज करा, आपको जो वर्ड आपके दिमाग के कंटेंट वोकैबुलरी वर्ल्ड से इजी लग रहा है बस वही वर्ड चूज करना है। आपको वाई वर्ड आ रहा है वाई ले लीजिए, ठीक है, आपको एंड आ रहा है आप एंड ले लीजिए, बस आपको वो वर्ड आसानी से याद होना चाहिए, ठीक है। हम सबके दिमाग में ऐसा कोई ना कोई वर्ड जरूर होता है। अब मान लीजिए ये एम वर्ड है, इसको ब्रेकअप करेंगे और मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा टॉक किस चीज के अराउंड है। मान लीजिए मेरा थीम है या मेरा जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन, ठीक है ना। मोटिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले और एम से एक वर्ड ढूंढ लेते हैं, मोमेंट, ठीक है। तो मैंने एम वर्ड लिया, इसमें मैंने ए से एटीट्यूड लिखा, आई से इंस्पिरेशन लिखा, एम से मोमेंटम लिखा और अब ये स्क्रीन बंद हो गई। अब मेरा जो टॉपिक है मोटिवेशन है, ए से मैंने वर्ड लिखा है एटीट्यूड, आई से लिखा है इंस्पिरेशन, एम से लिखा है मोमेंटम। ये मुझे आसानी से याद इसलिए हो गया। डॉक्टर राकेश आप म्यूट कर लीजिए और थोड़ा पानी पीजिए। ये मुझे इसलिए आसानी से याद हो गया बिकॉज ये वर्ड बहुत क्लोजली मेरे माइंड से रिलेटेड है, मैंने इसको बार बार प्रोसेस किया है, मेरे दिमाग ने इसको बार बार इस्तेमाल करा है, मैं कभी भी इन वर्ड को रिकॉल करूंगा, मेरी रिकॉल वैल्यू बहुत हाई है। डू यू एग्री, गिव मी अ थम्स अप। ऐसे आप कोई भी वर्ड अपने माइंड में एकदम रिकॉल करेंगे जो आपके माइंड के हिसाब से आसान है। ए आई एम अभी आप लिख सकते हैं, ए आई एम, आप ऐसे किसी को बुलाऊंगा भी। अब क्योंकि मेरा मोटिवेशनल टॉक है तो मैं अपना मोटिवेशनल टॉक ए आई एम के ऊपर दे सकता हूँ। For things to change, you have to change. For things to get better, you have to get better. And if you really want to get better, you have to work on your attitude. It is said that problems are common to all. Problems are part of life. And problems never come to break you. It always comes to make you. And whenever I go through some problems, I never say I'm going through some problem. I always say I'm going through character building time. Friends, that's my attitude, and I want you to understand that attitude is the most important element if you want to bring change in your life. The second is inspiration. What beliefs, what habits can change you? Who inspires you? Who is your role model? It can be your mom, it can be your dad, it can be anybody around you whom you follow, whom you see, and whom you take inspiration from. I want you to find out that person. I want you to start reading about that person. I want you to follow that person, watch that person, and you will see tremendous amount of changes starting coming from you, coming to you, because the way you see that inspiration getting things done at his end, you will start following that inspirational personality at your end. And that will bring inspiration in your life. And that inspiration will eventually give you momentum. Momentum is all about taking action. Talk is cheap. Action is everything. Start taking action, and that's how you can bring the right attitude, the inspiration to follow, and the momentum in your life. Aim. ठीक है, ये aim के ऊपर मैंने बोला। तो अब मुझे ये aim इसलिए याद था क्योंकि AIM ये word मेरी memory के बहुत ज्यादा close थे। Acronym method follow करके आप ये technique इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक थीम दे रहा हूं और वो थीम है रिलेशनशिप। अब आप में से कोई भी थ्री लेटर वर्ड एक बनाइए और मुझे वो टॉक देके दिखाइए थ्री लेटर वर्ड पे। और थीम है रिलेशनशिप, यानी कि आपका जो टॉक है वो रिलेशनशिप के आसपास ही होना चाहिए। और जो वर्ड है वो आप कोई भी चूज कर लीजिए, लेकिन आपको बिना देखे बोलना है मेरे सामने। कौन ये करके दिखा सकता है? अभी अभी हमने आपको सिखाया भी है। बिल्कुल किशोर, तो थ्री में रिलेशनशिप और आप बोलना चालू कीजिए। जब आप बोल लेंगे उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आपने कौन से वर्ड चूज किए थे। स्टार्ट कीजिए। रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता, जो कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो कभी कभी हम अपने आसपास देखते हैं कि रिलेशनशिप लोगों के सही नहीं चल रहे हैं आजकल के दिनों में। तो हमें पहले क्या करना चाहिए कि रिलेशनशिप अगर सही नहीं चल रहा है हमारी लाइफ में, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम फाइंड आउट करें कि व्हाट इज गड़बड़ी क्या है हमारे हमारे रिश्ते में। फिर उसके बाद वो गड़बड़ी जब फाइंड आउट हो जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद हमें जो बदलाव की जरूरत है उसे करने का प्रयास करें। ऑलराइट, तो आपने कौन सा वर्ड यूज करा इस टॉक को डिलीवर करने के लिए? राम। ओके, रीड। फर्स्ट मतलब मैंने किया रीड, एक्सेप्ट एंड मेक अगेन। ऑनेस्ट फीडबैक, मजा आया आपको बिना देखे बोलने का? यस सर, ये बात पकड़ में आई? जी जी जी, गॉट इट। एक्सेलेंट, अब और कौन ट्राई करना चाहेगा? ओके, संतोष को लोगरा जी आइए। ये समस्या आपने की थी वैसे तो, अगर आप बोलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मेरी समस्या में बहुत मुझे पकड़ लिया इसको, आई ट्राइंग टू फॉलो दैट। हां प्लीज करिए। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द ट्रुथ, इफ यू आर ट्रुथ इन द ट्रू इन द रिलेशनशिप इट विल लास्ट लॉन्ग। फॉर सेक ऑफ रिलेशनशिप यू मस्ट बी ऑनेस्ट, यू मस्ट डू ऑल द फॉलो रिलेशनशिप ऑनेस्टली, नेक्स्ट पर्सन विल ऑटोमेटिकली फॉलो इट। एंड थर्ड इज रिलेशनशिप इज आइदर I or him. It is no either I or him. It is we. If we follow these three things, our relationship will remain continue forever. That is my meaning. Wonderful. So, आप बताइए संतोष जी, आपने ये कैसे किया? कौन सा word choose किया? I use the word THET. T means truth, H means honest, and E means everyone. तो क्या हम संतोष जी के लिए clap कर सकते हैं virtually? क्योंकि उनकी सीखने की भूख ने आज उनको कुछ पकड़वा दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आपने THET the word बिना प्रिपरेशन के आपने बोला है, तो इफेक्टिवली इट्स अ जीरो स्क्रिप्ट फॉर्मूला फॉर यू। कोई स्क्रिप्ट थोड़ी ना लिखी आपने। अब आप पार्क में घूमने गए, ठीक है, आपने पार्क में घूमते घूमते बहुत सारे बच्चों को खेलते हुए देखा, आपको थीम आ गई। थीम क्या है इसमें? मेरे बचपन के दिन। और क्या थीम हो सकती है? रोज से बोटने के फायदे। और क्या थीम हो सकती है? एक्सरसाइज करने से कितनी बीमारियां दूर होती है। और क्या थीम हो सकती है? रोज व्यायाम करने से ब्लड प्रेशर कम रहता है। थीम मिल गई। अब एक वर्ड फिट कीजिए, कोई भी वर्ड फिट करते ही थीम समझ में आ गई। वर्ड फिट कर दिया, स्क्रिप्ट तैयार हुई या नहीं हुई, ये मुझे इस वक्त जवाब दे दो अभी। यस, आपने स्क्रिप्ट लिखी, पेपर पेन लेके गए थे आप? नो नो, बिल्कुल हो जाती, ये सब दिमाग में हो जाएगा, एक मिनट में हो जाएगा। इनफैक्ट मेरा चैलेंज है, अगर आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे सर, यू वॉन्ट बिलीव, मैं 30 सेकंड से कम में स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ, स्टेज पे बोल देता हूँ, लेस देन 30 सेकंड्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्रैकिंग दिस कोड। यस संदीप मुडगल, हाउ आर यू संदीप? आप बोलना चाहते हैं? वीडियो ऑन कीजिए। यस सर, आई वांट टू स्पीक। हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन, ग्रेट। आपका वीडियो ऑन नहीं है सर, एक मिनट, एक करता हूँ सर, करता हूँ। एक मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेकंड ले लो थोड़ी। बस हो गया सर, हो गया। प्लीज आगे। हाँ जी प्लीज। सत श्रीकाल पाजी। सत श्रीकाल। हाँ जी बताइए संदीप जी, आप बोलना चाहेंगे? यस सर, श्योर। हाँ प्लीज बताइए, आपने ये आपका थीम थोड़ा चेंज करते हैं, आपका थीम रखते हैं डिप्रेशन। ये आपका थीम, हाँ ये थीम है आपका। अब आपको कोई भी वर्ड बना के मुझे टॉक देना है। ओके सी, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वुड नो द रियल मीनिंग ऑफ डिप्रेशन एंड हाउ टू कम ओवर इट? शो ऑफ योर हैंड्स एंड हाउ सी एग्जैक्टली। सो हाउ मेनी ऑफ यू फील एवरी टाइम यू नो दैट यू आर नर्वस, यू आर इन एंजाइटी, यू आर इन डिप्रेशन? So again, I would like to know how many of you want to know how to come over it. Okay, thank you. So I'll start from the very first. Nowadays, people feel alone. You know what? They have some lot of attachment to others. And just because of this attachment, when they expect others not to, you know, complete their task or not to do their things properly, so they put themselves into the depression. And they think, oh God, I expected him a lot of things, but he's not working for me. This could be the biggest reason. You know what? The expectations could be the biggest reason of depression.
You know what, how you can come over it. So better you need to just think about yourself, think about your present. See, past is not in your hand. Future is not in your hand. Present, whatever you're doing, that's very important. You need to work on your present to make your future better. See, why people are in depression? That because of their past reasons, or maybe they keep thinking about their future concepts. So thing is, do your actions, that's it. Just forget about the things, forget about the result. Result is, you know, the other side. We don't have the result in our hands. So just because of people are every time in depression. So thing is that if you don't want to be in depression, be focused towards your work, do your action, and definitely the world is waiting for you and you have to focus towards your goal. Your goal should be very much big. If you are concentrating towards your goal and nobody can stop you to, you know, to get that dream, I mean, to get that goal as well. That's a reason of depression. People are not open actually. Log open nahi hai, log apni baatein nahi dekh paate hain. Log man man mein ghuste rehte hain. Internal communication unka weak hai. Wo hamesha apne aap ko bolte rahe ki I can't, main nahi kar sakta, ye nahi ho sakta mujh pe. So that could be the reason of depression. Log khul kar nahi aa rahe, bol nahi pa rahe. Unko internally wo apne aap ko kamzor bana rahe hain. So what we have to do is apne aap ko hamesha kehna hai, I can, I will, I'm the best, I'm the champion, I am the awesome. Aur sir main aapko bata dun, main aapka bahut bada fan hu. मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ टू बी वेरी फ्रेंक और आपसे बहुत कुछ सीखा है जो भी आपने बताया आपने YouTube की वीडियोस में भी आपने चीज बताई है मुझे जो एक्सरसाइज है आई फॉलो यू आई जस्ट थैंक यू वेरी मच आपका स्पीच खत्म हो गया यस सर थैंक यू ओके ग्रेट तो आपने इस जो मैंने आपको मेथड अभी बताया आपने कैसे फॉलो किया बता सकते हैं आप डब्ल्यू एच और आर मेरा कुछ अलग ही था डब्ल्यू एच आर मैंने फॉलो किया डब्ल्यू मतलब व्हाट डिप्रेशन क्या है एच हाउ यू कैन कम ओवर इट एंड आर इज मींस रिलैक्स योरसेल्फ एक्सेलेंट ग्रेट जॉब शाबाश सो डिड यू नोटिस दैट विदाउट एनी प्रिपरेशन संदीप इज अ नेटिव स्पीकर बट स्टिल ही मैनेज्ड टू स्पीक विद इन लेस देन 30 सेकंड्स एम आई राइट संदीप 30 सेकंड नहीं लगे अब आप इमेजिन करो कि आप एक बहुत अच्छी जगह पर बैठे हो और अचानक से बोले एक्सक्यूज मी और इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आएगा बस यही आएगा जो भी आपको सिखाया इट्स सो क्विक यस यस संदीप मेरे पास एक छोटी सी चीज है जो मैं रखना चाहूंगा सर हाँ, बहुत क्विकली हमारे पास टाइम की कमी है नहीं तो आप 10 से 20 सेकंड लूंगा सर 10 से 20 सेकंड टाइम स्टार्ट्स नाउ हाँ एक फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ सबके साथ काम आएगा पहला है W दूसरा है H तीसरा है G तीन चीज मैंने बनाई है जिसकी किसी भी टॉपिक को बोलने के लिए व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट हाउ इट इज यूजफुल और हार्मफुल एंड What are the good things, और चौथा bad कर सकते bad things. Randomly किसी भी topic पर ये वाला formula लगा सकते हैं W, H, G और B. Okay जी, perfect. Thank you so much. Okay, so I hope now everybody has got some clarity about this entire subject of remembering the talk. अब आपका पहला ये जो problem था कि आपको talk याद करना है, उसका solution मैंने आपको दिया. आपको talk जल्दी बनाना है, उसका solution भी दिया. और आपको टॉक का एक स्ट्रक्चर चाहिए था जिससे आप डेली कोई ना कोई स्क्रिप्ट बना सकते हो उसका भी सोल्यूशन आपको मिला एंड फ्रॉम माय साइड आई कंक्लूड हियर एनीथिंग यू वांट टू आस्क वेरी क्विकली कोई सवाल आपके मन में बहुत जल्दी ये जिनके हाथ खड़े हैं उनका सवाल है ओके यस हाँ यस उमा शंकर बताइए क्या सवाल है आपका You have some question, Uma Sankar Sahu? Sir, tips, like I just want to know the tips for the flow of the talk, sir. Flow of the talk will come to you when you will start chewing your words. Start chewing your words properly and that will give you the exact extract of each and every word. So I connect here to phonetic sound, that's one. Second, you will have flow of talk when you are aware which direction you're talking.
just by deciding the direction, you can follow the flow of the talk very easily. And thirdly, if you are in the search, in the quest of finding the flow, your rate of speech has to be moderate. It should not be fast. सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम जब बोल रहे हैं कि ऐसा हो कि किसी का मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा हमारे सर क्लियर है सर, थोड़ा सा बेटर है। मैं ये कह रहा हूं कि हम कुछ भी बोले कि मैं चाह रहा हूं कि सामने वाले का जो अट्रैक्शन है वो मेरे पे रहे, बस मैं ये चीज सीखना चाहता हूं कि वो ध्यान बस मेरे बातों पर, मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बोलने की उसका ध्यान ना आए, इंटरेस्ट में लाना चाहता हूं। आपकी आवाज मुझे ना साफ नहीं आ रही, इंटरेस्टिंग वर्ड्स नहीं दिया, मतलब आवाज दब के आ रही है मेरे पास। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए? ये कहना चाह रहे हैं सर, कैन आई रिपीट? हां प्लीज प्लीज, आपको समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आया, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ सीखना चाहता हूं जिससे कि मेरे ऑडियंस का अट्रैक्शन सिर्फ मेरे पे हो, मेरी बातों पे हो और बस मैं ही छा रहा हूं। अच्छा, ये करने के लिए थोड़ा समय लगेगा भाई, पहले अपना मोबाइल का कैमरा तो रखना सीखो। एकदम सही, आपको सक्सेस चाहिए, आप पहले अपना मोबाइल का कैमरा रखना सीखो, बॉडी लैंग्वेज पे कमांड लाओ, अपनी आवाज में तर्कश लाओ, अपना फेशियल एक्सप्रेशन ठीक करो, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होता ये, ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग इज नेवर अबाउट द स्प्रिंट, इट्स अबाउट द मैराथन, कोई 2 डेज का गेम थोड़ी ना है। समय लगता है, टाइम लगता है, टाइम इन्वेस्ट करो, पैशन लाओ, हंगर लाओ, तभी इसमें आप बेटर होते चले जाओगे। ठीक है, यही आपका बात का जवाब है। ग्रेट, I have a quick question. Very quickly, yes, we are about to wind up now. Can you just tell us how to take care of the fillers? Yeah, the best way of taking care of the fillers or overcoming the fillers is take pause. Okay. Then start. Then pause. Because when we use the fillers, actually we are indicating that we are not coming up with the right word, phrase or vocabulary. That's the indication. So it's better to keep mum. Don't do that. It's distracting. Yeah. So the best way is to master your fillers through pauses and make a conscious attempt in your conversations. If your conversations are getting good, automatically your speeches will have more impact. So start using less fillers or remove fillers from your conversations first. Got it. Thank you. All right, sir, ladies and gentlemen. Yeah, finally, final question, Shubham. What? Sir, जैसा कि सर अभी आपने बताया कि बात मॉड्यूलेशन क्या है। अरे आप मुझे एक बात बताओ, आपको आप वीडियो बना रहे हो शुभम? सर वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया था, बट मैं वीडियोस बनाता हूँ सर, मैं कल से कर दूंगा सर पोस्ट। नहीं आप वीडियो बनाओगे तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप कल वीडियो बनाओ पहले, आपको तो वीडियो मैंने एक भी नहीं देखा। चलो पूछो फटाफट, क्या पूछ रहे हो आप? सर जैसे आपने सर मॉड्यूलेशन की बात बताई थी सर, मॉड्यूलेशन मींस हमको बताया जाता है कि जहाँ पे हमारा एग्रेशन होना चाहिए हम एग्रेशन होके बोले, जहाँ हमारा इमोशंस होना चाहिए सर, लेकिन जब हम किसी भी स्पीच को डिलीवर करते हैं उस समय तो हमारे थॉट में नहीं आता कि कौन से वर्ड एग्रेशन होना चाहिए, कौन सा वर्ड इमोशनल है, उस चीज को कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? उस चीज को कनेक्ट करने के लिए आपको समय लगेगा अभी, ठीक है? सेंस आती है, ठीक है, वो सेंस भी ग्रेट होगी, स्पीकिंग फ्लो बनेगा, पहले स्पीकिंग फ्लो बनेगा, दूसरा वॉइस में क्लैरिटी आएगी, ये तीसरे चौथे नंबर पे आएगा जो आप बोल रहे हो, ये तो इसका पूरा स्टेप है। वैसे आप जितना ज्यादा माइंडफुल होंगे इन सब चीजों को करने के लिए, तो आप अपने आप हर वर्ड पे इमोशन रिलीज कर सकते हैं, वो आप अपनी च्वाइस से कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया पहले आपको 2-3 चीजों पर मास्टरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ये चीज आती है, ये डेफिनेटली होती है और मैं इसे खुद भी करता हूँ और बहुत सारे ग्लोबल स्पीकर्स भी करते हैं। अच्छा सवाल है आपका। ओके थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। ऑल राइट सर, कैन आई टेक योर लीव? या वी आर टेक योर लीव, वी आर वाइंडिंग अप नंदिता। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड आपका कल का जो टॉपिक है वो स्पीक इन 59 सेकंड्स है, यानी कि बहुत सारे लोगों को ये उत्तेजना हो रही थी कि 1 मिनट से कम में क्या बोले, तो हमने ये सोचा कि 59 सेकंड्स का एक टॉपिक रखते हैं। तो 59 सेकंड्स में आप क्या बोलने वाले हैं ये मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं। 59 सेकंड्स में आपको कोई राम कथा नहीं बोलनी है, 59 सेकंड्स में आप रूल ऑफ थ्री फॉलो कर लीजिए, रूल ऑफ थ्री, क्योंकि 59 सेकंड्स में आपके पास एक ऑप्शन है जो हम आपको दे रहे हैं, वो आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं। रूल ऑफ थ्री का मतलब है आप कोई भी 3 चीजें बता दीजिए। फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3 बेनिफिट्स ऑफ नेचर।
Khatam. Today I'm going to talk about three important elements of public speaking. 1, 2, 3. Khatam. Ek ek line mein elaborate kar dijiye. All the very best, and I'm looking forward to have your videos. Bye bye. Take care. Hope you have learned a lot today. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you.